हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। और आज हम लोग कैट 2019 के सेकंड स्लॉट के क्वांट के क्वेश्चंस देखेंगे, 6 to 10। 1 to 5 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अच्छा, आप में से जितने भी नए नए हमारे चैनल से ऐड हुए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बता देता हूँ कि प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो आपको अगर यूट्यूब पे उनको ना ढूंढना हो तो कैट के हमने 1990 से लेके 2019 तक जितने भी ऑफिशियल पेपर हैं उन सब के सॉल्यूशन ले चुके हैं ऑलरेडी। जेट के हम लोग कवर कर चुके हैं, IFT के कवर कर चुके हैं, CMAT के कवर कर चुके हैं, IBMAT के कवर कर चुके हैं, है ना। तो अगर आपको इन सब की PDF एक चाहिए, है ना, क्योंकि YouTube पे आप ढूंढोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप creators2206@gmail.com पे एक मेल कर दीजिए, जिसमें आपका नेम, एज एंड सिटी, ये तीन इन्फॉर्मेशन, तो आपको हम लोग वो PDF प्रोवाइड कर देंगे। उसमें हर टॉपिक के आगे उसकी लिंक दी हुई है। तो आपको जैसे मान लेते हैं कि कैट 2017 का सॉल्यूशन देखना है, तो कैट 2017 के आगे उसकी लिंक दी होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो आप एक्सेस कर पाएंगे। ये सब फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो creators2206@gmail.com इस पर आप अगर वो कर देंगे मेल, तो हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और हाँ, अगर आप में से किसी को हमारा कोर्स परचेस करना है कैट या IBMAT के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप डिटेल में वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे क्लिक करके ले लीजिए, उसके बाद परचेस करना हो तो कर सकते हैं, ठीक। आज के सेशन में हम लोग 6 to 10th क्वेश्चन देखेंगे कैट 2019 का, ठीक है। तो शुरू करते हैं 6th क्वेश्चन से। लेट FVN फंक्शन सच दैट FMN इज इक्वल टू FM into FN। क्या दिया हुआ है? FMN इज इक्वल टू FM into FN। एवरी पॉजिटिव इंटीजर MN, M और N क्या है इसमें? पॉजिटिव इंटीजर्स, ध्यान रखना पॉजिटिव बोला है। F1, 2, 3 आर पॉजिटिव इंटीजर्स और F1 इज लेस देन F2। F1, 2, 3 दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर। देखो, दिमाग वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। F24 दिया हुआ है 54, ठीक। अच्छा, 24 को अगर ध्यान दो तो मैं F24 को F24 into 1 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ F24 into F1, है ना, जिसकी वैल्यू 54 आएगी। F24 को मैं 12 सा भी लिख सकता हूँ, तो F12 into F2, ये भी F24 होगा जिसकी वैल्यू 54 आएगी। ध्यान से सीखना, अभी आपको ओरल इसका आंसर निकाल के बता देंगे, है ना। फिर अपन 83 सा भी लिख सकते हैं, तो F8 into F3, इसकी वैल्यू भी 54 आएगी। फिर 64 सा भी 24 होता है, तो F6 into F4 भी लिख सकता हूँ, ये भी 54 आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 27 2 54 होता है, मतलब 54 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो 2 into 3 का क्यूब आएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि F1, F2 और F3 क्या हो सकता है, है ना। एक बार ही एज्यूम कर लिया, एक सेकंड में सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखो, F1 तो ठीक है, F2 लूँगा, F4 और F8 ये सब में 2 की पावर्स आ रही हैं, यानी F2 तो 2 होता है, F4 2 स्क्वायर, F8 2 क्यूब, है ना। तो F2, F4 और F8 ये इंटीजर्स होने चाहिए, क्योंकि F4 क्या होगा? F2 into F2, है ना। अगर F2 इंटीजर है तो F4 भी इंटीजर होगा, और F4 इंटीजर है तो F8 क्या हो जाएगा? F4 into F2, F8 भी इंटीजर आएगा, है ना। तो F2, F4, F8 ये इंटीजर होने चाहिए, और F3 तो इंटीजर है ही, है ना। तो हमको क्या सोचना होगा पड़ेगा? F2। अच्छा, F8 क्या होता है? 2 क्यूब। इधर क्या दिख रहा है मुझे? 54 में 3 का क्यूब। तो अगर मैं F2 को 3 एज्यूम कर लूँ, अब ध्यान से सीखना, बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन था, दिमाग चल गया तो एक मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता। अब F4 क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर होता है, यानी F2 into F2, मतलब F4 क्या हो जाएगा? 3 3 9। F8 क्या हो जाएगा? F4 into F2, यानी 9 3 27। अब अगर F8 27 आ गया, इधर आप वैल्यू रख दो, F3 क्या आ जाएगा? 54 upon 27, मतलब 2। तो F3 मेरा क्या आ गया? 2। F8 क्या आ गया? 27। F4 आ गया, ठीक है। अब तो जो वैल्यू निकालनी वो निकाल लेंगे। F18 पूछा है, 6 3 18 होता है या 9 2 18 होता है?
तो देखो एफ सिक्स यहाँ से निकाल लो, एफ सिक्स इंटू एफ फोर क्या है 54, तो एफ सिक्स क्या हो जाएगा, एफ फोर क्या था 9, तो 54 अपॉन 9 6। अब एफ 18 क्या हो जाएगा, एफ 18 ही पूछा था ना, एफ 3 इंटू एफ 6। इसके सिमिलर क्वेश्चंस मेरे मैथ्स के वीडियो कोर्स में ऑलरेडी थे, 6 2 12, तो जिन्होंने वो किए होंगे उनसे क्वेश्चन बन गया होगा ठीक। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 12, सिक्स का आंसर 12 ठीक है। अगला सेवन, देखो नंबर सिस्टम में मैंने इससे सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी ले चुका हूँ ठीक, काफ़ी आसान है, इनके मैंने तरीके भी बताए थे। क्या होता है, एम स्क्वायर प्लस 105 इक्वल टू एन स्क्वायर दिया हुआ है, एम और एन के पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 105 ठीक। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एन माइनस एम इंटू एन प्लस एम, ये क्या होगा 105। 105 को फैक्टराइज कर दो, 3 × 5 × 7, मतलब इधर ध्यान दो तो टू पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव होना है ना, का प्रोडक्ट ये होना चाहिए 105। ये तो नंबर सिस्टम में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ, फॉर्मूला क्या होता था उसका, टोटल फैक्टर अपॉन टू ठीक। फॉर्मूले याद ना हो तो बिल्कुल डिटेल में स्टडी करो, नहीं तो कई लोग इसमें केस बनाते बैठेंगे, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी का काम है ठीक है। एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी रहता है कि हम केस बनाएं, दो नंबर एज्यूम करके फिर वैल्यूज़ निकालें, तो सीधे इसमें क्या करो टोटल फैक्टर का फॉर्मूला लगा दो, टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे इसके, 2 × 2 = 4 × 2 = 8 अपॉन 2, आंसर क्या हो जाएगा 4। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका था, बाकी कई आप बुक्स में देखोगे या कहीं सॉल्यूशन देखोगे वो पूरे फिर एक एक नंबर निकालेंगे, एन की वैल्यू ये, एम की ये, तो एक ये केस, दूसरा ये केस, तीसरा ये केस, इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता है ठीक है। तो अगर अच्छी रैंक लानी है, अच्छे परसेंटाइल लाने हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा और ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस करके, याद रखना मेरी बात है ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4 ठीक। एट, मुकेश परचेस्ड 10 बाइसिकल्स इन 2017, 10 साइकिल खरीदी भाई उसने, 6 ऑफ दीज एट प्रॉफिट 25% एंड द रिमेनिंग 4 एट अ लॉस ऑफ, देखो एक साइकिल का प्राइस आप एक्स मान लो, तो टोटल कितनी है 10, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 10x, ये क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 साइकिल्स है ना, 6 इसने बेची 25% प्रॉफिट पे, तो 6 इंटू में क्या कर दूँ 1.25x है ना, यही होगा ना, प्लस रिमेनिंग 4 बेची 25% लॉस पे, मतलब 4 × 0.75x टोटल ये हुआ, ओवरऑल क्या हुआ इसको प्रॉफिट हुआ, यानी ये हो गया सेलिंग प्राइस, इतना जो मैंने लिखा है माइनस क्या कर दूँ कॉस्ट प्राइस जो कि क्या था 10x, ये वैल्यू आई है 2000 खत्म। देखो ऑप्शन या किसी से करोगे उससे जल्दी हो जाएगा एक्स मान के है ना, 10-15 सेकेंड का भी फर्क नहीं पड़ता। 125 × 250 × 3 = 750, तो ये 7.5x प्लस 3x कितना हो गया 10.5x माइनस 10x तो है इज इक्वल टू 2000, तो 0.5x इज इक्वल टू 2000, तो x इज इक्वल टू 2 × 4000, ये आंसर आ गया सी है ना। क्या पूछा है, परचेस प्राइस ऑफ अ बाइसिकल ना जो हमने एक्स एज्यूम किया, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, इजी था ये भी। नाइन्थ, टू अंट्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ सर्कल एट सेम टाइम, पहले सर्कल बना लो ठीक है, ये आपका सर्कल बन गया ठीक, ये पॉइंट बना लो, क्या है पॉइंट पी, विथ ए मूविंग क्लॉकवाइज, ए क्लॉकवाइज है मतलब ए को आप ऐसा ले लो एंड बी मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, बी को इधर चलाओ बी, दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 10 AM व्हेन ए हैज कवर्ड 60%, 60% क्या होता है 3/5, तो सर्कल का एक काम करते हैं पूरी लेंथ मान लेते हैं 5 units, 5 meter, 5 kilometer जो मानना है मान लो 5 units मान लेते हैं, तो ए ने कितना कवर कर लिया 60% मतलब 3 units, तो ये इधर कहीं होगा ए, ए अभी इधर जा रहा होगा
है ना, ये पॉइंट अगर x मान लूँ तो p से x की ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी 3, और p से x की ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2 टोटल। तो a ने जितनी देर में 3 कवर किया, b ने उतनी देर में कितना कवर किया होगा 2, है ना, 40%। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से बताता हूँ। अच्छा, a ने 60 कवर किया तो b ने 40% कवर किया होगा, मतलब डिस्टेंस का रेशियो 60:40 मतलब 3:2, तो टाइम का जो रेशियो होगा टाइम टेकन बाय ए अपॉन टाइम टेकन बाय बी वो 40/60 हो जाएगा, यानी 2:3, है ना। टाइम डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, या स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 60 और 40 का रेशियो अगर था, है ना, डिस्टेंस का, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3, है ना, रेसिप्रोकल। ध्यान से सुनना, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। ए ने 10:12 पे पी पे आ गया, है ना, ए यहाँ पे आ गया 10:12, मतलब अब तो एक्स वाले पॉइंट से इसको सिर्फ 2 कवर करना है। तो 2 कवर करने में ये 2/3 इज इक्वल टू, देखो ये 2 कवर करने में ध्यान से सुनना, ए को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स, है ना। तो बी को इतना ही 2 कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन बाय बी क्या आ जाएगा, 18 मिनट्स। ध्यान से सुनना, रेशियो अगर आपको आता होगा इसे क्वेश्चन ओरल कर लोगे तो समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आप ओरल करना चाहो इसको ओरल कर सकते थे बिना किसी रिलेटिव स्पीड या किसी का फॉर्मूला लगाए, है ना। तो 18 मिनट्स लग रहा है इसको 2 मीटर कवर करने में, ठीक है, लेकिन करना कितना है इसको 3, है ना, बी अभी यहाँ पे होगा ना, तो बी को अभी 3 कवर करना है। तो देखो 2 में 18 तो 1 में 9 मिनट 1 मीटर में, तो 3 मीटर में कितना होगा, 9 3 27, ठीक है, तो 3 मीटर बी को कवर करने में कितना लगेगा, 27 मिनट्स। तो 10:27 पे बी पी पे पहुंच जाएगा ऑप्शन ए। देखो ये सब तरीके सीखोगे तभी एग्जाम में जल्दी कर पाओगे, ठीक है, विदाउट रिलेटिव स्पीड आप ये रेशियो के कॉन्सेप्ट से एक मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10th। द सैलरी ऑफ रमेश गणेश राजेश वर इन द रेशियो 6:5:7, ठीक है। तो रमेश गणेश राजेश, मेरे तरीके सीखते जाना या आप कोर्स लेना हो ले सकते हो, ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चन जल्दी करने में, 6x 5x और 7x, ठीक, ये 2010 की बात है। 15 में क्या हो गया, 3 4 3, यानी 3y मान लो, 4y मान लो और 3y, 3 4 3, ये रेशियो हो गया। इफ रमेश की सैलरी इंक्रीज हो गई 25%, तो रमेश की क्या थी 6x, 25% इंक्रीज हो गया, तो 1 + 1/4 5/4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3y, क्लियर। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2y/5। देखो आसान करने के लिए y की कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर लो, मान लो मैं 5 एज्यूम कर लूँ, y को मैं क्या एज्यूम कर लूँ, लिख लो लेट y इज इक्वल टू 5, तो x क्या आ जाएगा 2। अब ये वैल्यू थी, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, x 2 है ना, ये क्या हो जाएगा 12, फिर 5 2 10 और 7 2 14, और इधर y 5 था तो 5 3 15, 5 4 20, 5 3 15। अब क्या पूछा है, जो पूछा है वो बता दो, राजेश की सैलरी कितने परसेंट से इंक्रीज हो गई, देखो 14 से 15 हो गई, है ना, कितना इंक्रीज हुआ 1 का, है ना, किससे, 14 से, तो 1/14 इज द राइट आंसर। रेसिप्रोकल पता होंगे तो 1/14 क्या होता है, 7.14%, ठीक, क्लोजेस्ट पूछा था ऑप्शन डी 7%। ये थे क्वेश्चंस को करने के सबसे आसान तरीके, तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आया होगा, ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको इनकी हाँ PDF के फॉर्म में पूरी लिंक्स चाहिए तो आपको मैंने तरीका बताई दिया है, और डिस्क्रिप्शन पे आप अगर कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।